हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ काफी यूनिक तरह की मिठाई जो हमारे गांव में मिलते हैं, खजूर। बिल्कुल खजूर की तरह देखने में, काफी टेस्टी और डिलीशियस। आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें, यह खाने में काफी डिलीशियस बनते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक कटोरी मैदा, एक बड़े से परात में थोड़ा सा सॉल्ट, पानी का सोडा टीस्पून, देखिए क्वार्टर स्पून के करीब। अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है। अब इसमें डालना है ऑयल, वन फोर्थ बाउल ऑयल लग जाएगा। इसमें मोयन थोड़ा सा अच्छा से देना पड़ेगा। एक बाउल मैंने मैदा लिया है तो वन फोर्थ बाउल इसमें रिफाइंड ऑयल देना पड़ेगा। आप रिफाइंड या घी का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए परफेक्ट मोयन मैंने डाल दिया है। इस तरह से ढेला बन जाएगा। बस मोयन हमारा अच्छी तरह से डल चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेना है। सावधानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, नहीं एक बार ही ज्यादा नहीं डालना है। बस जितना जरूरत है उसी हिसाब से डो तैयार करना है। टाइट डो, देखिए इस तरह से इसे अच्छी तरह से गूंद लेना है। अब इसे ढक के रख देती हूँ रेस्ट के लिए 15 मिनट के लिए। तन मैंने चढ़ा दिया है, इसमें हाफ बाउल मैंने वन बाउल मैदा लिया है तो हाफ बाउल का मैं सिरप बनाने वाली हूँ। हाफ बाउल शुगर लिया है, इतना ही पानी ऐड किया। इसे लगातार चलाते हुए एक चिपचिपा शुगर सिरप तैयार करना है। इसमें कोई भी तार की चाशनी बनाने की जरूरत नहीं है। डाल देती हूँ इलायची पाउडर, दो इलायची को मैंने पाउडर कर लिया है। इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। आपके पास एसेंस है तो एसेंस डालिए या फिर गुलाब जल। जस्ट इस तरह से देखिए, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है, हल्का सा जस्ट हल्का सा चिपचिपाहट आ रही है। बस इतना ही हमें चाहिए। ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा मीठी बन जाती है, जो खाने में इतना ज़्यादा इसी से काफ़ी बेहतर रिजल्ट आता है, क्योंकि इससे खजूर में काफ़ी अच्छी तरह से रस भी अंदर तक चल जाते हैं। बस ये परफेक्ट तैयार है। अब सबसे आखिर में इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देती हूँ ताकि शुगर हमारा जो है क्रेमलाइज ना हो जाए। परफेक्ट तैयार है। मैंने चढ़ा दिया है गैस में और इसमें डाल दिया है ऑयल। 15 मिनट्स हो चुके हैं। ये अच्छी तरह से इसे मसल लेना है। अब छोटे छोटे लोई का पेड़ा इसका तैयार कर लेना है। जितना बड़ा आपको चाहिए, थोड़ा सा साइज में छोटा ही रख रहे हैं। इस तरह से पेड़ा तैयार कर लेना है इसका। ये पेड़ा मैंने तैयार कर लिए हैं। एक ही बाउल में देखिए 12 पीसेस पेड़ा तैयार हो गया है।
मैंने इस तरह का एक ठेका यानी झुड़ी, हम लोग इसे झुड़ी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं इसे, तो गांव में पाया जाता है, मैं गांव से लेके आई हूँ। इस तरह का मैंने ले लिया है। अब इसमें साइड से थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ ताकि इसमें जो मैं खजूर बनाऊंगी वो चिपके ना, तो अच्छी तरह से ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इस तरह से एक पेड़ा ले लिया है, इसे अच्छी तरह से दबा लेना है, दबा के इस तरह से फैला देना है। देखिए सामान इस तरह से मैंने इसे फैला दिया है। आप धीरे धीरे करके इस साइड से राउंड शेप में उठाना है और इधर से भी धीरे धीरे राउंड शेप में, देखिए एकदम से परफेक्ट, ये देखिए एकदम से खजूर के शेप की तरह शानदार स्ट्रक्चर देखिए। इस तरह से सारे मैं तैयार कर लूंगी और एक मैं दिखा देती हूँ। इसे अच्छी तरह से इसमें फैला देना है। अब इसे धीरे धीरे राउंड शेप में उठा देना है, इधर से भी दोनों साइड से बस इसे मिक्स कर लेना है। देखिए परफेक्ट खजूर के साइज का बनके तैयार हो गया है। इस तरह से सारे तैयार कर लेना है। अगर आपके पास यह अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इस तरह का चम्मच से भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से चम्मच को दबा के, पर इसे थोड़ा सा ज़्यादा जोर से दबाना पड़ेगा वरना यह खुल जाएंगे। इस तरह से दबा के इधर से इस साइड से राउंड शेप में और उधर से भी राउंड शेप में लाके जस्ट मिक्स कर लेना है। यह देखिए परफेक्ट, इस तरह से सारे मैं तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। इधर ऑयल हमारा जस्ट हल्का सा गर्म हो चुका है, ज़्यादा एकदम से गर्म नहीं करना है। एक एक कर देखिए बिल्कुल भी बुलबुला नहीं उठ रहा है। एक एक कर इसमें डाल देती हूँ। हल्का सा इस तरह से गिरा देना है, बिल्कुल भी अभी चलाना नहीं है और गैस को एकदम से लो फ्लेम में रखना है। इस तरह से हिलाते हुए 5 से 7 मिनट लो फ्लेम में ही ऐसे ही छोड़ देना है। 5 मिनट्स हो चुका है। अब धीरे धीरे एक एक कर पलट देना है सावधानी से। थोड़ा सा कड़क कड़ा हो गया है, देखिए इस तरह से एक एक कर सारे मैं पलट देती हूँ। गैस का फ्लेम एकदम से लो है, सारे मैंने पलट दिए। देखिए फिर इधर भी 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से लो फ्लेम में फ्राई कर लेना है। इस साइड भी हो चुका है, अब इसे भी कलर देती हूँ। देखिए इसका कलर सबको पलट देना है अच्छी तरह से और अच्छी तरह से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। अब गैस का फ्लेम बढ़ा के अच्छी तरह से इसे क्रिस्पी होने तक और अच्छी तरह से कलर ब्राउन आपको जिस तरह का पसंद आने तक फ्राई कर लेना है। देखिए अच्छी तरह से फ्राई करना है हाई फ्लेम में, बस 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे। देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इसे कलर देखिए कितना बेहतर। अब इसे निकाल लेना है। गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ। इसे निकाल के तुरंत शुगर सिरप में डाल देना है। हल्का सा गुनगुना शुगर सिरप होना चाहिए,
ठंडा हो गया था तो मैंने हल्का सा जस्ट गरम कर लिया है। अब इसमें सारे खजूर डाल देती हूँ, एक एक कर सारे मैंने डाल दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से रस में डुबो देना है। मैंने ज़्यादा रस नहीं बनाया है, नहीं तो बेकार का वेस्ट होता है। जितना मुझे ज़रूरत बस उतना ही। देखिए इस तरह से इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से रस में डुबो देना है। इस तरह से ऊपर नीचे कर देती हूँ। रस हमारा एकदम परफेक्ट है, देखिए कितनी अच्छी तरह से रस इसमें कोट हो गए हैं। शानदार, हमारा खजूर एकदम से तैयार है। जस्ट 2 सेकेंड इसे रस में इस तरह से डुबो के रखना है, ज़्यादा नहीं वरना काफ़ी मीठी बन जाएगी। बस इतना ही हमें चाहिए। अब इसे निकाल लेती हूँ, गर्मा गर्म परोसती हूँ। कितने शानदार खजूर का शेप देखिए। यह हमारे विलेज स्टाइल में खजूर बनके तैयार है, जो खाने में इतना क्रिस्पी और टेस्टी कि क्या कहना। आप एक बार बना के इस तरह से ट्राई करें तो फिर आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। एक बाउल में ही देखिए कितने सारे खजूर हमारे बनके तैयार। देखिए खजूर की शानदार रेसिपी तैयार है। मैं एक तोड़ के दिखा देती हूँ, काफ़ी काफ़ी गर्म है। यह देखिए इसके अंदर तक रस गया है, काफ़ी क्रिस्पी और जूसी। यह देखिए कितनी क्रिस्पी और शानदार, खाने में सुपर टेस्टी। यह रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।